दिन फाइनली वो दिन आ गया दोस्तों जिस दिन हम नाइकी का हॉल कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहला नाइकी का बॉक्स आ गया हमारे पास में। इस वीडियो में हम बहुत सारे नाइकी के जूते देखेंगे और आपको मैं एकदम सही सजेशन दूंगा कि किस जूते के लिए आपको जाना चाहिए। नाइकी डाउनशिफ्टर 12 प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई है 3995 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 4000 रुपए। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। एक्चुअली इसके बॉक्स के अंदर में भाई पूरा बास्केटबॉल कोर्ट डिजाइन किया गया है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उससे खूबसूरत है हमारा जूता। ये भी एक्चुअली स्पार्क वाला काम कर गए, डब्बे को इन्होंने उल्टा बना दिया, डब्बा कहीं का। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कागज निकालते हैं और वेट की बात करें, बहुत हल्का जूता है। आई मीन एक्स्ट्रा लाइट नहीं है लेकिन लाइट है। पूरा फैब्रिक देखो, ना ही मेश का है और ना ही निटेड फैब्रिक है, बल्कि ये थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप का मटेरियल है जो मोस्टली स्पोर्ट्स जूतों में यूज होता है। लेस होल्स के साइड में आपको ऐसे रबर की कोटिंग मिलेगी और ये पीछे तक आपको मिलता है। नाइकी का जो यहाँ पे शूज देख पा रहे हो जिसमें व्हाइट कलर की आउटलाइनिंग की गई है, ये भी रबर कोटेड है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ उभर के निकल रहा है या एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये आपको दोनों तरफ मिल जाता है। साइड में आपको थोड़ा सा ऐसे करके रिफ्लेक्टिव मटेरियल की छोटी सी आपको यहाँ पर कोटिंग मिल जाएगी। टंग की बात करें, टंग पूरा मेश का बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको नाइकी रिसाइकल टाइप का ये आइकॉन मिल जाता है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा गया है नाइकी डाउनशिफ्टर 12। बीच में आपको टंग होल्डर मिल जाएगा। लेस भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है। अंदर पैडिंग वैडिंग सब कुछ बहुत अच्छी है। और जूते के आउटर साइड में यहाँ पर छोटी सी और डिटेलिंग ऐड की गई है। लिखा हुआ है नाइकी रनिंग ईस्ट 1972 जस्ट डू इट, जो इनका अपना कोट है। जूते का एंकल जो सपोर्ट है ना, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। इसमें आपको एक पुल टैप मिल जाएगा। देखो आप जाहिर से बात है नाइकी है तो आपको कंफर्ट के मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंदर आपको हल्की हल्की पैडिंग मिल जाती है। इंसोल इसका अच्छा है, हालांकि आपको मेमोरी फोम जैसा गद्दा गद्दा फील नहीं होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का इंसोल है। वैसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि अंदर के इंसोल में ना हमें कोई भी नाइकी की ब्रांडिंग नहीं मिलती है। मैंने अजियो से मंगाया है। अंदर में यहाँ पे लिखा गया मेड इन इंडोनेशिया और मैंने नाइकी की वेबसाइट पे भी चेक किया था, ये एक्चुअली इंडोनेशिया में ही बन के आता है। आउटर सोल की बात करें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसका आउटर सोल है। और साइड में ना छोटू से यहाँ पर और एक शूज आपको मिल जाएगा इसका आउटर सोल में। क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे और उसके भी नीचे आपको नाइकी का शूज डिजाइन मिलेगा, यानी चारों तरफ नाइकी की ब्रांडिंग प्रॉपर की गई है। पहनने में जूता बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड देखने से ना ये जूता बहुत ज्यादा आपको बड़ा बड़ा सा लगेगा, लेकिन पैर में जो पकड़ बनती है ना भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की रहती है। और यही इन सारे ब्रांड्स को ना यूनिक भी बनाता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हम चाहते हैं दुर्गा पूजा में पहनना, फेस्टिवल में पहनना, अब ऐसे जूते क्यों दिखा रहे हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसे पैर में पहन के कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, वो रीजन जानेंगे नेक्स्ट जूते में। और नाइकी का नेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में। फाइनली नाइकी का ही बॉक्स है, ऑरेंज कलर का। बीच में आपको छोटा सा शूज मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी गई है 4995 रुपए, 5000 रुपए ऑलमोस्ट। ना आपको पे नहीं करना है। मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है नाइकी फ्लाई बाई मिड 3। और आपको बता दूं कि ये बास्केटबॉल जूता है। कलर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बचपन में मैं ये सारे जूतों को ना देखा करता था और ड्रीम करता था कि काश एक दिन ऐसा हो जब मैं इन सारे जूतों को पहन पाऊं और एक्सपीरियंस कर पाऊं। जूते के अगर कलर की बात करें, मेजरली इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट और ग्रे, दैट्स इट। अगर इसके अपर बॉडी की बात करें, निटेड फैब्रिक से तो बनाई गई है, लेकिन इसकी जो निटिंग है ना नेक्स्ट लेवल की लग रही है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली बिल्ड है। फ्रंट में आपको रबर की कोटिंग मिल जाएगी, साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलेगी, बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए। जूते के इनर साइड में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बड़ा लेदर पैच अटैच्ड मिलेगा और उसी के ऊपर ग्रे थ्रेड से ना एम्ब्रॉयडर्ड आपको नाइकी का शूज मिलता है। और ठीक उसके ऊपर भी ये जो आउटलाइन देख रहे हो ना, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, कमाल की डिटेलिंग ऐड की गई है। पीछे नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी ग्रे कलर की, जो कि ऐसे रबर के थ्रू कोटेड है। लेदर की जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वही आउटर साइड में देखोगे तो बहुत बड़ा एक नाइकी का शूज डिजाइन किया गया है, जिसके साइड साइड में एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आउटलाइन की गई है, खूबसूरत लग रहा भाई। और बीच वाला भी जो पार्ट है ना थोड़ा सा ऐसा ना पैडेड है, मस्त लग रहा है। साइड में आपको ग्रे कलर का लेदर पैच मिल जाएगा। अंदर यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया। पैडिंग की बात करें, पैडिंग वैडिंग अच्छी है। ऑब्वियसली इसका एंकल सपोर्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये एक बास्केटबॉल जूता है। अंदर की भी पैडिंग वैडिंग सब कुछ अच्छी है। इसका जो टंग है वो इंजीनियर्ड मेश से बनाया गया है, यानी बहुत बड़े बड़े आपको होल्स मिल जाएंगे। वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रंट में आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा शूज डिजाइन है एंड इसका जो टंग है वो भी वेल पैडेड है। जूते के अगर आउटर सोल की बात करें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेटली आपको अमेजिंग कंफर्ट देगा। लेकिन जो इसका बॉटम सोल है बहुत तगड़े रबर से बना हुआ है और चूंकि बास्केटबॉल जूते में इसी का मेन काम होता है, हम दौड़ते हैं, हम रुकते हैं, तो इस जूते में ट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड डेफिनेटली नाइकी है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। नीचे आपको शूज कैसे करके लोगो मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम बास्केटबॉल जूता खरीदें? देखो नाइकी एक ऐसी कंपनी है ना जिनके जूतों में ना कोई स्टाइल बैरियर नहीं है। बैडमिंटन शू अलग है, फुटबॉल शू अलग है, बास्केटबॉल शू अलग है, कैजुअल शू अलग है, फॉर्मल शू अलग है। लेकिन नाइकी एक ऐसी कंपनी है ना जिनके किसी भी जूते में कोई इस तरह की बैरियर नहीं है। चाहे हम बात कर ले एयरफोर्स 1 की, चाहे बात कर ले J1 की, चाहे हम बात करें और बहुत सारे लेब्रॉन्स की, वो सारे जूते बास्केटबॉल कोर्ट के लिए ही ही डिजाइंड है, लेकिन आज एज अ लाइफस्टाइल स्नीकर बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप नाइकी के किसी भी जूते को ना इजिली एज अ लाइफस्टाइल स्नीकर यूज कर सकते हो। जाना चाहो जा सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में या व्यू प्रोडक्ट में। और नेक्स्ट नाइकी का बॉक्स आ गया हमारे पास में, एक बहुत खूबसूरत कार्डबोर्ड का बॉक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा करके जो तो आप पढ़ लो यहाँ पर। ऑर्डर का नाम है नाइकी कोर्ट विजन मिड एंड एंड। आपको बता दूं कि अगर आपको सस्ते में चाहिए जॉर्डन वाला मजा या हाई डंक वाला मजा तो आपको लेना चाहिए भाई कोर्ट विजन। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी गई है 5,995 रुपए। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। जूते को निकालते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है। लिटरली आपको बता दूं इन सारे एपिसोड को बनाने में ना भाई बहुत ज्यादा पैसा जाता है, लेकिन हम इतने हाइप में रहते हैं ना आप सबको कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, पैसे की सोचते नहीं है। तो मेक श्योर कि हमारे इस एनर्जी को इस आग वाले सब्सक्राइब बटन की तरह दबाकर बढ़ा देना। और सो अगर जूते की क्वालिटी की बात करें, इसकी पूरी जो अपर बॉडी है वो बहुत अमेजिंग लेदर से बनी गई है। सारे लेदर्स में आपको बहुत सारे टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको वीरोल के थ्रू दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे 3 कलर आपको देखने को मिलेगा जो कि है ग्रे, ब्लैक और ऑफ व्हाइट। तीनों खतरनाक कलर है। ग्रे कलर का आपको उसमें लेस मिलता है, टंग पूरा मेश का बना हुआ है, ऊपर नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लिखा हुआ कोर्ट विजन। फ्रंट में बहुत सारे बड़े बड़े होल्स मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए। लेस के साइड साइड में आपको ऑफ व्हाइट लेदर मिलता है और उसके पीछे फिर पूरा ग्रे मिलता है, फिर ब्लैक और उसके ऊपर नाइकी की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। दोनों तरफ जो शूज का भी कलर है वो ब्लैक कलर के लेदर से डिजाइंड है, खूबसूरत लगता है। क्योंकि ये मिड टॉप स्नीकर है, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा हाई एंकल मिलता है। साइड में पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, इंसोल की भी पैडिंग ठीक है, एंड अंदर भी देखोगे तो अंदर भी वेल पैडेड है। डेफिनेटली पहनोगे तो आराम लगेगा। जब हमने भी पहना आराम लगा। क्योंकि ये स्केट शू है तो आपको यहाँ पर फ्लैट सोल मिलता है, नीचे में आपको ट्रैक्शन के लिए हार्ड रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे और बीच में आपको इसका रबर सोल मिलेगा जो कि बिल्कुल एकदम पत्थर माफिक है। ये सारे स्नीकर्स में ऐसा ही होता है। आपको अगर लचपच वाली जिंदगी चाहिए तो स्पोर्ट्स जूते के लिए जाइए। आउटर सोल में भी आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड अगर ओवरऑल इस जूते की बात करें, भाई बहुत अच्छा जूता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपने एयर जॉर्डन 1 के कभी लेदर को एक्सपीरियंस किया है, उतना सॉफ्ट आपको फील नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब तक मैं एक नाइकी के जूते को यूज करता हूँ बीच बीच में, करीब करीब मेरे पास वो 3-4 साल से है। जब भी मैं उसके एक बार ऐसे करके पूछता हूँ ना, उसके लेदर वापस से चमक जाते हैं। अगर आप एक अच्छे नाइकी के जूते के लिए स्पेंड करोगे ना, आपको जिंदगी भर उस जूते से शिकायत नहीं मिलेगी। डेफिनेटली जाना चाहते हो जा सकते हो। पैर में कैसा लग रहा है वो आपने देख लिया, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ। और जो नेक्स्ट हमारा जूता है बहुत ही ज्यादा रिसेंट रिलीज है। नाइकी के साइड में नाइकी का आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है नाइकी GTS 97। पीछे इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 5,695 रुपए। इतना आपको पे नहीं करना है, डोंट वरी। फटाफट निकाल दे जूते को। एंड व्हाट अ जूता मेरा भाई। ऑलराइट, सो जूता आ गया हमारे पास में। अगर इसके अपर बॉडी की बात करें, पूरी जो इसकी बॉडी है टेक्सटाइल फैब्रिक से बनाई गई है। मतलब जैसे कैनवस वाले जूते होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा आपको फील होगा। लेकिन फ्रंट में आपको ग्रे कलर का बहुत अमेजिंग स्वेड लेदर देखने को मिलता है जो कि बहुत हाई क्वालिटी का है। एंड इस जूते में एक टेक्सचर ऐड करता है। दोनों साइड में आपको शूज मिल जाएगा जो की इंपॉर्टेड है, लेकिन बाहर वाला जो शूज है ना वो रेड कलर का है और उसके साइड साइड में आपको ग्रीन कलर की आउटलाइनिंग मिलेगी, वो भी इंपॉर्टेड है। लेकिन अंदर की तरफ जो इंपॉर्टेड शूज है वो सिर्फ ग्रीन कलर में है। जूते की जितनी भी आइलेट्स है यानी ये जो लेस होल्स है वो पूरे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और यही डिटेलिंग आपको यहाँ पर साइड में भी देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली वेंटिलेशन का पार्ट होता है। टंग की बात करें, टंग पूरा वेल पैडेड है। लेकिन इसमें खास क्या है ना कि जैसे दूसरे जूतों में देखोगे ना तो यहाँ तक इसका पार्ट अलग होता है और टंग यहाँ से ऐड होता है या अटैच होता है। ये वाला जो टंग है पूरा आगे तक गया गया है, यानी ये वाला जो पीस है वो पूरा आगे तक है। सिर्फ एक पीस है यहाँ से यहाँ तक जो कि इसे यूनिक लुक देता है। टंग में आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि येलो कलर से है और एम्ब्रॉयडर्ड है। और जूते के साइड साइड में आपको रेड कलर की पाइपिंग मिलेगी जो कि टेक्सटाइल फैब्रिक से है और बहुत ज्यादा इसे यूनिक लुक दे रही है। आउटर सोल इसका रबर का है, पूरा ऑफ व्हाइट कलर का है और उसके ऊपर रेड कलर की ना हल्की सी पाइपिंग या स्ट्रिप वाली डिजाइनिंग मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बैक साइड में आपको ग्रीन कलर का पूरा लेदर मिलता है जिसके ऊपर शूज की डिजाइनिंग की गई है। शूज का लोगो है जो कि इंपॉर्टेड है, छोटू सा लोगो है लेकिन उसमें भी भाई एम्ब्रॉयडरी की गई है। एक्चुअली इस जूते में जो ध्यान खींचेगा ना वो है इसका इनर साइड। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके इन साइड में ना पूरा फर वाला डिजाइन है, ग्रीन कलर का पूरा फर है और यही फर आपको पूरा टंग में भी मिलता है। इंसोल में आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड टंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर तक भी हाथ घुसाए ना तो हल्का हल्का पैडिंग और ये वाला जो फर है आपको एंड तक मिलता है, लिटरली एंड तक। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पीस पार्ट है। बेसिकली नाइकी का ये कहना है कि नाइकी ने इस जूते को टेनिस से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। वो सारी बातें रखो साइड में, लेकिन अगर सीधी बात करें तो जूता लो टॉप स्नीकर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है एंड डेफिनेटली आप अगर जाना चाहो जा सकते हो। रिसेंट रिलीज भी है और इस वक्त सेल में अच्छे प्राइस में में भी मिल रहा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर व्यू प्रोडक्ट में। और अभी भी दो जूते हमारे पास बचे हुए हैं नाइकी के, लेकिन ये वो जूते नहीं है जो हमने पहले कभी आपको दिखाए नहीं है। हमने हाल में आपको ये दोनों जूते दिखाए थे और इसके लिए एक बहुत बेस्ट प्राइस में मिल रहा है और आप डेफिनेटली इस जूते के लिए जा सकते हो। पहला जो हमारा जूता है पूरा व्हाइट कलर का एक लो टॉप स्नीकर है जो की है कोर्ट विजन लो। बहुत अमेजिंग जूता है, प्राइसिंग यहाँ पर 3995 रुपए लिखी गई, लेकिन आपको बहुत कम में मिल जाएगा। इसके मॉडल नंबर का नाम है नाइकी कोर्ट रॉयल 2, ठीक है। पूरी इसकी बॉडी लेदर की बनेगी, अंदर में आपको इंसोल मिल जाएगा फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का। इस जूते का बैक पार्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें आपको छोटा सा एक टेक्सटाइल फैब्रिक अटैच्ड मिलता है और नीचे एक्चुअली इसके सोल में एक छोटा सा शूज डिजाइन है, बहुत खूबसूरत। मैं इसे बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पहन रहा हूँ और लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। डिटेल वीडियो चाहिए तो पहले वाली वीडियोस आप जाके देख सकते हो। इसके लेदर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो नेक्स्ट जूता मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये भी मैंने बहुत पहले आपको बताया था। मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है नाइकी एयर मैक्स इंटरलेस लाइट और इसकी प्राइसिंग है 7095 रुपए, लेकिन प्राइस देकर डरिएगा मत, बहुत कम में आपको मिल जाएगा। जूते को निकालते हैं, हम इसे रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा तो पहले से देखते आ रहे हैं। इसकी भी पूरी बॉडी सिंथेटिक मटेरियल से बनेगी जो हमने पहले जूते में देखा था। शूज आपको टील ब्लू कलर का मिल जाएगा, लेस आपको टील ब्लू कलर का मिल जाएगा। साइड में लेदर का काम बहुत खतरनाक है, मिड सोल इसका बहुत सॉफ्ट है और बीच में आपको एंकल के साइड में एयर कुशन मिलता है। ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा अमेजिंग है पहनने में एंड लुक्स में, डेफिनेटली जा सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्यादा इसके बारे में सर खाने का जरूरत नहीं, अब नाइकी है तो क्या हुआ, जान दे देगा। एंड दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे जूते मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन मैं रेगुलरली आपके लिए सेल्स वाली वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारे कलेक्शंस आपको दिखाता हूँ, आप ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो। तो मेक श्योर की चैनल के साथ अपडेटेड रहे और बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपेंसिव बजट वाली एंड बहुत लो बजट वाली इन सारी वीडियोस को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फटाफट। तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।